ये समाजवादी नेता के चरित्र की कलंक था। नग्न अवस्था में पकड़ा गया डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि, बनकंबे में नाबालिग लड़की को नौकरी दिलाने के बहाने किया गंदा काम की कोशिश। सपा नेता नवाब सिंह यादव अपनी महिला क्लाइंट के बहाने बुलवाए थे नाबालिग लड़की। समाजवादी पार्टी के दो सफेद पोज खद्दरधारी नेताओं ने दो लड़कियों के साथ किया गंदा काम। अब देखिए सीएम योगी का रौद्र रूप, राम नाम सत्य कर देने का किया ऐलान। दोस्तों, यूपी से आजकल दो बड़ी भयंकर खबरें समाजवादी घराने से आई हैं, जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। ये दोनों ही खबरें ऐसी हैं जिनके कारण अयोध्या से अवधेश पासी और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सहित समाजवादी पार्टी बड़ी भयंकर सियासत में बदनाम हो गई है। समाजवादी पार्टी को बदनाम करने वाले यही दो चेहरे हैं जो कभी अयोध्या सांसद अवधेश पासी के करीबी रहे और दूसरा डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा। अब इन्हीं दोनों बड़े नेताओं के बंद कमरे की काली करतूत का भंडाफोड़ योगी सरकार में हो गया है, जिसके बाद से यूपी की सियासत में बड़ा भयंकर घमासान मचा हुआ है। इन्हीं जैसे सफेद पोज खद्दरधारी नेताओं की काली करतूत का वीडियो भी मोबाइल कैमरों में कैद हुआ। इस वीडियो में दिख रहा शख्स नवाब सिंह यादव है, जो कि डिंपल यादव का पूर्व में सांसद प्रतिनिधि बताया जा रहा है। इसने कन्नौज के बंद कमरे में नौकरी दिलाने के नाम पर नाबालिग लड़की के साथ अपनी हवस बुझाना चाहा, पर वो लड़की इसके चंगुल से छूटकर 112 पर कॉल करके पुलिस बुलाकर रंगे हाथों पकड़ा दिया, जिसका वीडियो सामने आने के बाद से अखिलेश यादव, डिंपल यादव, सपा सांसद अवधेश पासी और समाजवादी पार्टी बड़ा भयंकर बदनाम हो रही है। क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी के इस नेता ने अयोध्या में एक नाबालिग लड़की के साथ गंदा काम कर दिया है। इस नेता का नाम मुईद खान और दूसरा राजू खान है। ये भी अयोध्या के समाजवादी सांसद अवधेश पासी का बड़ा खास रहा। इसने भी एक नाबालिग लड़की को अपनी हवस बुझाने के लिए गंदा काम किया। फिलहाल अब इन दोनों नेताओं को योगी पुलिस कायदे से रगड़ रही है और दोनों को जेल भेजकर बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी है। माना ये भी जा रहा है कि अगर इन दोनों ने अधिक तड़फड़ाने और हो हल्ला मचाने की कोशिश की तो योगी बाबा बुलेट ट्रेन वाली कार्रवाई करने में देर नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी। सब्सक्राइब करें शाम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।